सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको 2017 का ड्राइंग ए का क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ तो एसओएस है, पर ये एसओएस का पेपर नहीं है, ये आपका रेगुलर स्टूडेंट का पेपर है। और चाहे एसओएस का भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस दोनों के लिए सेम है। इसमें सिर्फ नंबर का फर्क होता है। एसओएस के लिए जो ज्योमेट्री है वो आपकी 36 नंबर की आती है, और रेगुलर के लिए 24 नंबर की आती है। स्केल इसमें एसओएस के लिए 29 की आती है, और रेगुलर के लिए 26 नंबर की आती है। तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम ही होता है, सिलेबस सेम होता है, सिर्फ नंबर का इसमें फर्क होता है। तो एसएस वाले भी देख सकते हैं, और रेगुलर वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से जो है कुछ प्रश्न अभी इस एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें सबसे पहले रोल नंबर जैसे लिखने के लिए कहा गया है, और पेपर वही आपका 3 घंटे का है। आपका 50 नंबर इसमें दिए हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पेपर जो है सिर्फ रूरल बच्चों के लिए ही था। एसएस का सिर्फ इसमें लिखा गया था, पर एसएस के लिए पेपर नहीं दिया गया है। बाकी इसमें निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न आपने करने हैं, अनिवार्य होते हैं सभी प्रश्न। और आपने जो है पैमाना बदलना नहीं है, जो पैमाना आप यूज करेंगे स्केल ड्राइंग में, वो जो दिया होगा निर्देश में वही आपने बनाना है। कागज का एक ही साइड आपने प्रयोग करना है, दोनों साइड आपने कागज में प्रयोग नहीं करना है। दो कागज आपको दिए जाएंगे, एक ज्योमेट्री के लिए और एक स्केल ड्राइंग के लिए दिया जाएगा। और आपने अपना रोल नंबर जो है वो अंकों और शब्दों में दोनों में दाहिने और आपने लिखना है। सफाई का विशेष ध्यान रखना है, खास करके ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में, और आपके ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में डॉटेड लाइंस का और आपके जो उत्तर की लाइनें हैं, दी हुई लाइनें, और तीनों अलग अलग दर्शाई होनी चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपके जो स्केल ड्राइंग है उसमें 3 नंबर सिर्फ लिखाई के और सफाई के ही होते हैं, तो आपने उसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में जो पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है वो है कि ए बी रेखा पर एक समपंचभुज बनाएं जबकि उसकी दो भुजाएं अपनी स्थिति में हैं। ये जो प्रश्न है ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर है 89 और पेज नंबर है 42 पर दिया हुआ है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, दिए हुए वृत्त की परिधि पर दिए बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचिए। ये जो प्रश्न है ये आपकी बुक में है, 100 नंबर पे दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 100 और पेज नंबर है 49। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि दिए हुए वृत्त पर बाहर दिए बिंदु डी से स्पर्श रेखा खींचिए। ये जो प्रश्न है ये 99 प्रश्न नंबर आपकी बुक में है, और पेज नंबर वही 49 है, मतलब ऊपर नीचे किया हुआ है, 100 भी आया हुआ है और 99 भी आया हुआ है। तो इन दो में से आपने एक ही करना है। सभी प्रश्न के नंबर सेम होते हैं, 4-4 नंबर का ये प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है ये है तीसरा, दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचिए। ये जो प्रश्न है ये 103 आपकी बुक में प्रश्न नंबर है और पेज नंबर है 50। जो चौथा प्रश्न है वो दिए स्पर्शक वृत्त, तीन स्पर्शक वृत्त खींचिए जिनके केंद्र स्थान ए बी सी दिए है। तो ये 3 स्पर्शक बिंदु आपने दिए हुए आपको, और उन पे ही आपने 3 वृत्त भी बनाने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, और ये जो आपकी बुक में है 121 नंबर क्वेश्चन है और पेज नंबर ये 57। तो यदि आपके प्रश्न बनाने नहीं आते हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट को ओपन करिए और इन प्रश्न को देखिए, इनके वीडियो बने हुए हैं, सॉल्व करके जो है ना मैंने वीडियो बना रखे है, तो वहां पे जाकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपके प्रश्न थे ये थे आपके बहुभुज के और वृत्त के प्रश्न थे। अब आपके लिए 2 प्रश्न आगे दिए हुए हैं, इसमें ये है सॉलिड ज्योमेट्री से, 5वां जो प्रश्न है सॉलिड ज्योमेट्री से है, पंचभुज शुंडाकार का साम्य रूपी दृश्य बनाएं जबकि शुंडाकार अपने पंचभुज आधार पर HP पर खड़ा है और भुजा XY के समानांतर है और शीर्ष तुम्हारी ओर है, भुजा 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो प्रश्न है ये आपकी बुक में सॉलिड ज्योमेट्री में प्रश्न नंबर 14 और पेज नंबर है ये 70 पे दिया हुआ है। अगला इसमें 6ठा प्रश्न दिया हुआ है कि शंकु जो अपने वृत्ताकार आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाएं, आधार पर व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर इसकी दी हुई है। तो ये जो प्रश्न है ये है पेज आपका 22 आपकी बुक में सॉलिड ज्योमेट्री का 22 नंबर प्रश्न है, पेज नंबर है ये
74 पे दिया हुआ है। यदि ये नहीं आता इसमें अथवा में दिया हुआ है, आपने एक ही करना है, ऊपर वाला करिए चाहे दूसरा नीचे वाला अथवा वाला करिए। अथवा में दिया हुआ है किसी दिए हुए गोले के सामने दृश्य में बिंदु पी दिया है, उसकी दिशा ऊपरी दृश्य में ज्ञात कीजिए, गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो अथवा वाला प्रश्न है और का है, ये आपके बुक में है प्रश्न नंबर 26 और पेज नंबर है ये 76। तो ये जो प्रश्न है आपने बनाने हैं, 6 प्रश्न हैं और ये 4-4 नंबर के हैं रेगुलर के लिए, और यदि यही प्रश्न पत्र जो है एसएस के लिए आता है तो ये प्रश्न जो है 6-6 नंबर के होते हैं। तो ये आपने बनाना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी इसका फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ वो आपको मिले, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न जो है, ये स्केल ड्राइंग का आपका प्रश्न है। ये जो आपके लिए बुक केस की स्केल आई हुई है ये है आपकी स्केल नंबर 27, स्केल नंबर 27 है और पेज नंबर है ये 104 पे दिया हुआ है। इसका एलिवेशन साइड प्लान आपने बनाना है, इसकी जो लंबाई है वो है 119 सेंटीमीटर, चौड़ाई मीन्स ब्रेथ जो है वो 38 सेंटीमीटर है और हाइट 75 सेंटीमीटर है। इसमें फुट्टा जो आपने यूज करना है, पैमाना जो यूज होगा वो 1.8 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि पहले भी आपको निर्देश दिया गया था कि पैमाना आपने चेंज नहीं करना है, तो 1.8 सेंटीमीटर पैमाना ही आपने इसमें यूज करना है। नंबर आपको पता ही है, नंबर विभाजन जो होता है वो एलिवेशन 7 नंबर का होता है, साइड 6 नंबर का है, प्लान भी 6 नंबर का होता है, पैमाना जो आप बनाएंगे वो 2 नंबर का है, कागज बाड़ करेंगे वो भी 2 नंबर की है, और जो आपकी लिखाई और सफाई है उसके 3 नंबर अलग से दिए जाते हैं। तो ये 26 नंबर की आपकी स्केल है। यदि यही स्केल जो है वो एसओएस के लिए आती है तो ये स्केल 29 नंबर की हो जाती है, फिर इसमें एलिवेशन जो है 8 नंबर की हो जाती है और साइड और प्लान जो है 7-7 नंबर के हो जाते हैं, बाकी सब वही है, 2-2 और 3 नंबर इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है वो पेपर सेट होता है बोर्ड द्वारा, इस तरह से आपके पेपर ये आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।